ओके, सो जो आज का टॉपिक है रिलेशंस एंड इट्स टाइप, आज हम पढ़ेंगे क्या, रिलेशन एंड द टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन और टाइप ऑफ रिलेशन ये पढ़ना है हमको आज। अभी टॉपिक मतलब अगर कोई जब होता क्या, तो जनरली जब बच्चे एग्जाम के आखिरी महीना बचता था या फिर एग्जाम के 1-1.5 महीना बाकी है, अब एग्जाम के पहले जब जनरली पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो हो जाए, टाइम कम बच रहा है, रिवीजन में कौन कौन से टॉपिक पढ़े या फिर कौन सा टॉपिक कम टाइम में हो जाए, 1 ही महीना बाकी है, नंबर स्कोर करना है, सबसे पहला नाम इसी चीज का लिया जाता था, रिलेशन एंड द टाइप ऑफ रिलेशन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में, लास्ट 3 टू 4 ईयर में, उसके पहले भी काफी टाइम, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आ ही रहा है हर बार, इस टॉपिक से, इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से 1 क्वेश्चन जेई मेंस के अंदर आ रहा है। तो एक क्वेश्चन अगर इस टॉपिक, एक छोटे से टॉपिक से एक क्वेश्चन अगर रिसेंटली हर पेपर में अगर आ रहा है, मतलब वो टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक अपन को 4 मार्क्स पक्के देके जाएगा। बहुत कम टॉपिक ऐसे होते हैं जो मुझे पता होता है कि भाई इससे क्वेश्चन आना ही है, वैसा एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना। मतलब रिलेशन एक आपको क्वेश्चन दे देंगे बना के, बोलेंगे कि बताओ ये कौन से टाइप का रिलेशन है, फिर ऑप्शन देंगे इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सब कुछ क्या आज हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हर बार बन ही रहा है, और क्वेश्चन जनरली जो बनता है वो इजी मीडियम लेवल का ही बन रहा है, इजी मीडियम लेवल का बन रहा है। तो हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। लास्ट टाइम में मैंने अपने बच्चों को बताया था, इस बार भी आपको बता रहा हूँ कि इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेगा वो इजी मीडियम लेवल का बनेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आपको, मतलब एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। इसलिए इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझना, आज के लेक्चर में ही पूरा कवर हो जाएगा, मतलब थ्योरी जितनी भी रिलेटेड है वो आज के लेक्चर में ही कवर हो जाएगी। आगे आने वाले लेक्चर में हमको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। ठीक है, अलग अलग वेरायटी, जितनी भी वेरायटी पॉसिबल हो सकती है, इजी से लेके टफेस्ट वेरायटी तक, सारी वेरायटी हम अगले 2 लेक्चर में और कवर करेंगे। नेक्स्ट के 2 लेक्चर पूरे क्वेश्चन सॉल्विंग पे लगा देंगे, आज अपनी पूरी थ्योरी बहुत प्रॉपरली रिवाइज करेंगे। इसलिए आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर टाइप को बहुत प्रॉपरली समझना, कंसंट्रेट होकर सुनना। कहीं पे भी आपको लगता है कोई चीज नहीं समझ में आ रही, आप डबल बार पूछ सकते हो। ठीक है, इसलिए अच्छे समझना इस चीज को, क्योंकि देखो जेई के हिसाब से इट इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे बनेगा, और जब हम जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे आपसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वो मैं भी कोशिश करूंगा इस टॉपिक को आपको बहुत इजी मेथड से पढ़ाने की। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान से सुनना, कहीं पे भी समझ में नहीं आता है तो कोशिश करना अनम्यूट करके बता दो, और मान लो अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो चैट बॉक्स में लिख देना। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बोलो यस सर। ओके, सर सर जेई में, हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो, जल्दी बोलो। जेई में अभी जो पढ़ाओगे सर 12th का, उसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे या सर 11th का पूछेंगे ज्यादा? नहीं, 12th का ही पूछेंगे, 11th का कुछ भी नहीं पूछेंगे इसमें। जो 12th में आप पढ़ते हो रिलेशन का वो ही पूछते हैं, और क्या पूछेंगे वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है रे, यस और नो? हेलो, आ गई बात समझ में अमरजीत? ओके ओके, ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या पूछा जाएगा जेई में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। डायरेक्ट बताऊंगा भाई ऐसा ही क्वेश्चन आना है, 4-5 वैरायटी ही इसके, इस चैप्टर में 4-5 वैरायटी के ही क्वेश्चन बनते हैं, और उन्हीं में से एक वैरायटी हर बार जेई पूछ रहा है, मतलब शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। चलो पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले रिलेशन के बारे में जानने से पहले मैं सेट्स का थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ। हमने क्लास 11th में सेट्स के बारे में चीजें पढ़ी थी, कि सेट्स क्या है ना। अब सेट्स क्या होता है, सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, 2, 4, 6, 8 मान लो ये सेट ले लिया मैंने, यहाँ पे इवन नंबर का सेट लिया, फर्स्ट 4 इवन नंबर ऐसा लिया, तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हमने सेट्स पढ़ा था, अब इन सेट्स को पढ़ने के बाद हमने अगला टॉपिक पढ़ा था सबसेट्स। क्या पढ़ा था? सबसेट मतलब इसी के सब पार्ट, सबसेट क्या होता था, इसी के सब पार्ट, है ना। जैसे मान लो और एक सेट ए मैंने कंसिडर कर लिया जिसके अंदर एलिमेंट मान लो 1, 2, 3, इसके क्या क्या सबसेट पॉसिबल है, ऑल पॉसिबल सबसेट, पॉसिबल एक ना मैं लिख देता हूँ एक एक करके, पॉसिबल सबसेट आप मुझे एक एक करके बताओ। एक तो 5 पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1
नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने बने ये? Eight. Number of possible subset हमारे पास कितने बने? Number of possible subsets is equal to 8.
अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे सेट ए में? थ्री। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना था? तीन। और टोटल पॉसिबल सबसेट कितना बना? एट। और एट को थ्री से हम कैसे रिलेट करते थे? टू रिस्ट पावर थ्री है ना, याद आ रहा है? एट को लिखने का तरीका क्या है? टू रिस्ट पावर थ्री। तो यहाँ से हमने एक चीज बताई थी, अगर किसी सेट में एन एलिमेंट है, अगर किसी सेट में एन एलिमेंट है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने हो जाएंगे? टू की पावर एन। अगर किसी सेट में एन एलिमेंट्स है, किसी सेट में क्या है? एन एलिमेंट्स, एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट सब के हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर n। वेरी गुड, डिटेल में देखी थी वो आप लोग रिवाइज करना बाद में। उसके बाद जो काम की चीज मुझे इस चैप्टर में जो यूज होगी वो है अगला चैप्टर नंबर टू में, हमने क्लास इलेवंथ में चैप्टर नंबर टू में हमने अगला जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट, याद आ रहा है? कुछ एलिमेंट है 8, 9, 10, ठीक है। तो अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, तो ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता था? ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता था और क्या होगा ए क्रॉस बी की वैल्यू? मतलब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या आएगा बताओ? ए रिलेशन, हाँ ए ए मतलब नहीं रिलेशन नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का मतलब क्या था? एक्स कॉमा वाई, हाँ मतलब क्या आएगा? हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या था? इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1.8 और 2.1.8, बस ये अकेला ही आएगा क्या? क्या और कुछ भी आएगा? 1.9, 1.9, 1.10 और 2.8, 2.9, 2.10 और सारे के लिए बन जाएगा और लास्ट में 4.10 है ना? यस सर। तो बेसिकली यहां पे आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या? कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द collection of partition product kya? It is a collection of all possible ordered pair. Very good, all possible ordered pair. Yahan pe word ordered pair important tha, all possible ordered pair from set A to set B, from set A to set B. Agar A cross B bol raha hu na, to set A se B ki taraf, theek hai? To ordered pair matlab pehla element set A se aayega, dusra element set B se aayega, order mein aana chahiye. Pehla element ऑर्डर पेयर का मतलब क्या? x, y, कि पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए। अगर ए क्रॉस बी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ए क्रॉस बी की मैं बात कर रहा हूँ तो ए से बी में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर है उन सबका कलेक्शन मेरा क्या हो जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सबको क्लियर है बात? ओके, बहुत बढ़िया। अब रिलेशन क्या होता है? अब इसी से रिलेशन डिफाइन किया गया था। क्या मान लो कोई मैं रिलेशन बोल रहा हूँ, रिलेशन आर, a relation R is defined on the set A to B. A relation, इसको पढ़ते कैसे? इस तरह से लिखा जाएगा। देखो relation R defined from set A to B, इस तरह से लिखा है, मतलब a relation R is defined from set A to B such that, suppose इस तरह से define किया गया x equal to, या फिर suppose इस तरह से define किया गया y equal to 2x plus 1, where x belongs to set A, y belongs to set B. इस तरह से बोला गया। और मान लो सेट ए के बारे में आपको दिया गया, सेट ए इज गिवन एज 1, 2, 3 और सेट बी के बारे में आपको दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर है? ये आपको सेट बी दे दिया, मान लो इसमें से चलो थोड़ा और हटा देता हूँ, मैं 6 हटा देता हूँ, 4 हटा देता हूँ, 2, 3, 5, 7 ही सेट बी दे दिया। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है? A relation R defined from set A to set B such that y is equal to 2x plus 1 where x belongs to set A, y belongs to set B. अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, किस तरह से define है? x comma y, ordered pair क्या? x comma y, ordered pair क्या? x comma y, इसका मतलब input x से output y है, input x से output y है। तब इसको मैं define अगर करूँगा तो R की value क्या आएगी?
आर के अंदर क्या क्या आएंगे, एक्स कॉमा वाई के सारे पॉसिबल पेयर फ्रॉम ए टू बी बताओ। अब मान लो एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, 1 2 3 है ना, यस और नो? यस सर। बैकग्राउंड नहीं कर रहा है। एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, 1 2 3, तो बताओ क्या क्या इसके अंदर एलिमेंट आएंगे। एक्स को क्या रखो, 1 रखा तो एक्स को 1 2 आउटपुट क्या आएगा, 3 3 आएगा है ना। यस सर। एक्स को 2 रखने पे आउटपुट क्या आएगा, 5 5 5। फिर एक्स को 3 रखने पे आउटपुट क्या आएगा, 7 7 7। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन आर डिफाइन हो गया। अब देखो, अगर मान लो मैं आपको यहाँ पे ये बोला कि इसका ए क्रॉस बी क्या आता, ए क्रॉस बी में सारे पॉसिबल है, 1, 2 है ना, 1, 3 5 करते करते 3, 7 तक कितने एलिमेंट होते इसके अंदर, कोई बता सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस, कितने एलिमेंट आते इसके अंदर? इसमें देखो 3 एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट हर एलिमेंट 4 के साथ रिलेट करेगा, 1 4 के साथ आएगा, फिर 2 भी इन चारों के साथ आएगा, 3 भी इन चारों के साथ आएगा, तो 4 + 4 + 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। यस सर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी निकालने का तरीका भी क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो 3 × 4 दैट इज 12, तो यहां पे 12 एलिमेंट आएंगे है ना, आएंगे 12 एलिमेंट। अच्छा, क्या ये 3 एलिमेंट उसी का पार्ट है? यस सर। ये 3 एलिमेंट भी इन्हीं का क्या है पार्ट, मतलब बोल सकता हूं ये कहीं ना कहीं इसी का सबसेट है। यस सर। यस सर। कहीं ना कहीं है। यस सर। तो इसी तरह से रिलेशन डिफाइन किया गया, तो तब रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी, रिलेशन इज द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन किस तरह से बुक्स में डिफाइन किया गया था, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज द सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी which follows some rule. अब some rule मतलब क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग, जैसे यहाँ पे रूल क्या दिया गया है, the output equal to twice of input plus one, तो इसी के हिसाब से हर रिलेशन में अलग अलग रूल होगा। तो रिलेशन आर ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, कोई ना कोई क्या है सबसेट है, ऐसा बहुत सारे रिलेशन में डिफाइन कर सकता हूँ, और जो भी आंसर आएगा जितने भी रिलेशन में डिफाइन करूंगा ए से बी में, जितने भी रिलेशन में ए से बी में डिफाइन करूंगा वो सारे के सारे ए क्रॉस बी के क्या होंगे, सबसेट होंगे, वो सारे के सारे ए क्रॉस बी के क्या होंगे, सबसेट होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। डेफिनेशन है बच्चों, व्हाट इज अ रिलेशन, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, वो ए क्रॉस बी जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका कोई ना कोई एक सबसेट है, और ऐसे बहुत सारे रिलेशन में डिफाइन कर सकता हूँ, और जितना भी आंसर आएगा वो कोई ना कोई ए क्रॉस बी का मेरा पार्ट ही होगा। अब देखो इसी से बहुत अच्छा क्वेश्चन बना, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, यहाँ आपका सेट अपन ने पढ़ा था, सेट अपना क्या होता है नॉर्मल सेट, उसके नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी के सारे पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सब वन ऑफ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ तक हमने सारी चीजें जान ली। अब इस पे क्वेश्चन भी बनता था बहुत सी बार, जैसे यहाँ पे बोला गया है सेट ए के अंदर मानो कुछ एलिमेंट है 2 3 7 4, सेट बी के अंदर मानो एलिमेंट है 5, 8, और पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम सेट ए टू बी। ए टू बी में टोटल कितने पॉसिबल रिलेशन अलग अलग रिलेशन में बना सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बताओ। 8 सोच के बताओ, 2 to power 8। सब लोग सोचो, शांति से सोचो, अभी क्या सिखाया था आपको सर? 8 सर 8 2 की पावर 8। अब दो तरह के आंसर आ रहे थे, जिसका भी आंसर आ रहा है एक बार अपने आंसर को क्रॉस चेक करो, दो तरह के आंसर मेरे पास आ रहे हैं, दो तरह के आंसर आ रहे हैं। 256 आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन 256। अच्छा देखते क्या आएगा, बाकी लोग भी सोचो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितना आएगा सर? 8 ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, 8। अब बताओ क्या तरीका होगा, हाँ रिलेशन क्या होता है ये बताओ मुझे, रिलेशन बताओ क्या क्या सिखाया, रिलेशन इज व्हाट, रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी सब सबसेट, क्या बोला था मैंने, रिलेशन इज वन ऑफ द सबसेट ऑफ ए टू ए क्रॉस बी है ना। यस सर। रिलेशन क्या है, वन ऑफ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है ना। यस सर। अब अगर यहाँ पे मैं आपको पूछूंगा भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हैं,
यहाँ पे कितने, चार एलिमेंट है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, दो, फोर टू जा कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, है ना, मतलब ए क्रॉस बी में एट एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, एट। अब रिलेशन में कितने होंगे, टोटल पॉसिबल रिलेशन कितना होगा, इसका सबसेट है ना, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट का फॉर्मूला कितना होता है, पावर एन होता है, तो टोटल पॉसिबल सबसेट, टोटल पॉसिबल सबसेट कितने हो जाएंगे, अगर किसी में 8 एलिमेंट है तो टोटल पॉसिबल सबसेट कितना हो जाएंगे, 2 की पावर 8 होगा कि नहीं होगा, तो रिलेशन क्या है, A क्रॉस का सबसेट है, अब A क्रॉस B के अंदर 8 एलिमेंट आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 8, द आंसर क्या जाएगा, देखो टोटल पॉसिबल रिलेशन 256, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8, क्या क्लियर हुआ, यस सर, ये तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, आपको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट पता करना, फिर 2 की पावर एन करना, 8 इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 8 आएगा, ठीक है, जिसका भी 8 आया तो उनको अपनी गलती पता चल गई, यस सर, ओके वेरी गुड, चलो ये आपका बेसिक हो गया रिलेशन के तौर पे। अब जैसे मान लो मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, मान लो आर ए टू बी में, उसकी मैपिंग कुछ इस तरह से हुई, मान लो ना कोई रिलेशन डिफाइन किया गया, किसी का हल्का सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, इसका आ रहा है तनिशा का, तनिशा, हाँ थोड़ा सा देखना आसपास कुछ आवाज आ रही है क्या, ठीक है, ओके, सेट ए से सेट बी में मान लो मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, मान लो उसकी मैपिंग इस तरह से मैंने कुछ करी है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट थे मान लो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे मान लो कुछ एलिमेंट थे 7, 8, 9, ठीक है, और मैपिंग इस तरह से कर दी, ये मान लो इसको इसके साथ रिलेट कर दिया, इसको इसके साथ रिलेट कर दिया, ठीक है, फिर इसको इसके साथ रिलेट कर दिया, इसको इसके साथ रिलेट कर दिया, इसको भी इसके साथ रिलेट कर दिया, अगर मैं आपको पूछना चलो इसको रिलेट ही नहीं किया, मान लो यहां पे मैंने तीन चीजें पूछी आपसे, किस रिलेशन आर की, इस रिलेशन आर की डोमेन क्या होगी, ओ डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ा था, डोमेन, डोमेन और रेंज, ये तीनों क्या होगी इस रिलेशन आर की, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, रिलेशन आर की डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगी, बताओ, डोमेन में क्या आएगा, कोडोमेन में क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, डोमेन में 1 और 8, डोमेन में क्या आएगा 1 8, 1 8 क्यों, पूरा सेट ए आएगा सर, पूरा सेट ए आएगा, 1 2 डोमेन क्या होता, 1 2 3 4 1 2 3, अभी सोचो थोड़ा सा, सब लोग सोचो इस बारे में, डोमेन क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, सर रेंज 1 2 3 4, नहीं नहीं वो सर रेंज होगा 7 8 9, नहीं गलत है, सर रेंज 7 8 9, चलो ठीक है, आई थिंक सबके फंडामेंटल अभी क्लियर नहीं है तो मैं बताता हूँ, ध्यान समझना, अब देखो यहाँ पे मैपिंग, एक मिनट बेटा माइक ऑफ करो जिसका भी है, यहाँ पे मैपिंग कैसे हो रही है, देखो 1 is related to 7, 1 related to 8, 2 related to 8 से, 3 related to 8 से, 4 किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा, 9 अकेला बचा, तो डोमेन मतलब इनपुट सेट के जो भी एलिमेंट जो इमेज बना रहे हैं, इनपुट सेट में कौन कौन एलिमेंट इमेज बना रहे हैं, 1 2 और 3 आया ना, 1 2 3, तो डोमेन आपकी क्या हो जाएगी, 1 2 3, 4 को इमेज बना रहा है क्या, तो 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो डोमेन मतलब इनपुट वैल्यू ऑफ एक्स, डोमेन मतलब इनपुट, इनपुट जो इनपुट के वो एलिमेंट जो इमेज बना रहे, तो डोमेन क्या हो जाएगी 1 2 3, क्लियर हुआ, यस यस सर, अब रेंज, रेंज आउटपुट में जो जो भी इमेज बन रही है, तो आउटपुट में रेंज, आउटपुट मतलब रेंज कहां से कहां तक लग रहा है, फंक्शन आउटपुट में 7 आउटपुट क्या हो जाएगा, जिसकी इमेज बन रही 7 8, तो ये आपका आउटपुट रेंज हो जाएगा, और कोडोमेन मतलब कंप्लीट सेट बी, जो आउटपुट सेट कंप्लीट वो आपका कोडोमेन हो जाएगा, कंप्लीट सेट बी, कंप्लीट Yes, सेट बी, ये हमेशा आप ध्यान रखना, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंप्लीट सेट बी, क्या अब कभी गलती होगी क्या, डोमेन मतलब जिससे इमेज बन रही है, कोडोमेन मतलब कंप्लीट सेट बी और रेंज मतलब 7 और 8, क्या क्लियर हुआ ये, यस सर, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना, ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, दुविधा, दुख, दर्द, कोई किसी को बोलो, ठीक है,
अब क्लास, ये क्लास इलेवंथ में हमने सारी चीजें पढ़ी थी, ये सारी क्लास इलेवंथ के कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेशन के जो हमने पढ़े थे। अब क्लास ट्वेल्थ में हमको क्या सीखना है, बेसिकली डायरेक्टली टाइप्स ऑफ रिलेशन, जहां से जेई क्वेश्चन पूछता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन के, रिलेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। उसमें टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे जो काम के तीन है वो है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव सेकेंड सिमेट्रिक, सेकेंड सिमेट्रिक और थर्ड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो ये तीन ही टाइप में जहां से सारे क्वेश्चन बनते हैं, जेई इन्हीं तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन से फॉर्म करता है और क्वेश्चन की वैरायटी बहुत अच्छी अच्छी होती है, तो इन्हीं तीनों को समझना बहुत अच्छा है। और बोर्ड्स में भी आपको इसी से एक क्वेश्चन आएगा चार नंबर का, क्लियर है? तो आपको बोर्ड्स में बहुत डिटेल में प्रॉपरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो एनसीईआरटी इज द मस्ट। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से ग्रिप होने चाहिए, और एनसीईआरटी आप लोग अच्छे से इस साल सॉल्व करोगे। एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी बिना सॉल्व करे आप ना जेई निकाल सकते हो ना बोर्ड्स निकाल सकते हो। तो एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, काफी अच्छी 11th की, 12th की एनसीईआरटी खासकर, 11th की तो इतनी खास नहीं है, लेकिन 12th की एनसीईआरटी काफी अच्छी है। तो एनसीईआरटी के साथ साथ जो लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है उसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है, और एडिशनल अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप ले सकते हो, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक आती है, लेकिन वो अनसॉल्व बुक लेना, सॉल्व बुक मत लेना। कौन सी बुक? अनसॉल्व वाली, क्योंकि सॉल्व वाली में बहुत गलतियां भी है और मतलब नहीं, आप उससे कभी सीख नहीं पाओगे। तो एक एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दोनों आपके पास बुक पड़ी होनी चाहिए, दोनों सस्ती आती है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, और इससे आप अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जब भी आपके पास समय है, कुछ नहीं मिल रहा है प्रैक्टिस शीट करने के लिए, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। ये बोर्ड्स में भी आपको हेल्पफुल देगी और जेई मेंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो आज की क्लास में हमको ये तीनों टाइप्स ऑफ रिलेशन को अच्छे से समझना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, क्या होता है इसका मतलब, किस तरह से इसको हमको डील करना है, ठीक है? अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में, कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब किस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं उसको समझना। मान लो कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है? सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, और रिलेशन आर कोई डिफाइन किया गया। मान लो मैंने सेट ए मान लो 1, 2 है और बी मान लो 5, 8, और रिलेशन आर डिफाइन किया गया मान लो ए से बी में, रिलेशन आर इज डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। अब उस रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव कब बोलूंगा, वो रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव तब होगा इफ द रिलेशन आर, आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट। अब देखो यहां पे सेट रिलेशन कहां से जा रहा है, ए से बी की तरफ, तो मेरा इनपुट सेट एट हो गया, ए हो गया, ए इज माय इनपुट सेट। तो यहां पे बोला आर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इज रिलेटेड, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है? इसका मतलब है आर के अंदर ए कोमा ए, इस टाइप के एलिमेंट शुड बिलोंग्स टू आर, ए कोमा ए शुड बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है? अब देखो ये एक बेसिक, ये पूरी डेफिनेशन है इसकी, ये पूरी क्या है इसकी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को, ये ऑफिशियल डेफिनेशन, लेकिन इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, कि अगर देखो ये सब लैंग्वेज होगी मैथमेटिकल, आसान भाषा में आपको इसको मैं समझाता हूँ। मान लो कोई कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 1, 2, 3, अगर रिलेशन आर के अंदर, देखो यहाँ पे क्या बोला, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ द इनपुट सेट। अब ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, ये इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एवरी एलिमेंट। सेट ए के हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए, ए कॉमा ए खुद के साथ क्या होना चाहिए, पेयरिंग, मतलब इनपुट भी और आउटपुट भी दोनों क्या होना चाहिए, सेम। Where all A belongs to set A, मतलब relation R के अंदर आपका 1, 1 आना चाहिए, 2, 2 भी आना चाहिए, 3, 3 भी आना चाहिए, इसके अलावा कुछ और होगा तो चलेगा, लेकिन ये इनका आना कंपलसरी, किसका आना कंपलसरी है, 1, 1, 2, 1, 3, 3। अगर किसी रिलेशन R के अंदर ये तीन तरह के एलिमेंट आ रहे हैं, अगर सेट A आपका इनपुट सेट है 1, 2, 3, और हर एलिमेंट सेट A का खुद के साथ अगर रिलेट कर रहा है, मतलब 1, 1, 2, 2 और 3, 3 उसके अंदर आ रहे हैं, तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा।
थोड़ा सा लेंदी हो गया, मैं वापस आसान भाषा में समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब उसके इनपुट सेट के हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग बन रहा है। उसके इनपुट सेट मतलब सेट ए मान लो, का हर एलिमेंट का खुद के साथ अगर पेयरिंग बन रहा है तो वो रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे यहाँ पे इनपुट सेट में मेरे पास 1, 2, 3 है, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 अगर ये उस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं तो ऐसे रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव बोलूंगा। क्या समझ में आई बात? Yes, sir. Okay. Yes. हुआ है? अब मैं एक example ले रहा हूं, उसमें उससे वो क्लैरिटी आ जाएगी। ध्यान समझना, मान लो सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 2, 3, 4। मैं अलग अलग रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, आपको मुझे ये बताना है इसमें से कौन रिफ्लेक्सिव है कौन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सोच समझ के। रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ए, तो आर के अंदर मान लो एलिमेंट आ रहे 1, 2, 1, 2, 4, 2, 3। आर टू मैंने डिफाइन कर दिया मान लो 1, 1, 2, 2, 4, 3। आर थ्री मैंने डिफाइन कर दिया मान लो 2, 1, 3, 3, 4, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 2। आर फोर डिफाइन कर दिया 1, 1, 2, 2। अब मुझे बताओ कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें देखो 1, 1 आ रहा है, 2, 2 आ रहा है, 3, 4, 4 है, लेकिन 3, 3 मिसिंग है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या R3 रिफ्लेक्सिव है? यस इट इज रिफ्लेक्सिव, करेक्ट। आर फोर रिलेशन क्या होता है वो समझते। अब सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में ये बोला गया आसान भाषा में, अगेन समझाता हूँ कि देखो मान लो कोई सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट मान लो 1, 2, 3, 4, ठीक है, या फिर कुछ एलिमेंट है मान लो उसमें। देखो हिंदी में समझते इसको बहुत आसान से, अगर सेट ए में, मान लो कोई सेट ए मान लो कुछ भी डिफाइन कर दिया सेट ए में, ठीक है, अगर मान लो कोई भी रिलेशन आर सिमेट्रिक कब होगा, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कोमा बी आर के अंदर अगर आ रहा है रिलेशन, आर के अंदर अगर मान लो ए कोमा बी एलिमेंट है, देन बी कोमा ए उसका उल्टा बी कोमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर मान लो रिलेशन आर के अंदर ए कोमा बी पड़ा हुआ है तो उसका उल्टा बी कोमा ए को भी उसके अंदर आना चाहिए, मतलब उसका रेसिप्रोकल भी उस रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए। अगर वो ए कोमा बी और बी कोमा ए दोनों के दोनों रिलेशन आर के अंदर प्रेजेंट है हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट का उस रेसिप्रोकल उस रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए, अगर ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हाँ, रेसिप्रोकल। बेसिकली हर एलिमेंट, जो जो रिलेशन आर के अंदर एलिमेंट है उनका रेसिप्रोकल उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, अगर प्रेजेंट है मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आर को मैं एक वापस में कोई रिलेशन आर ले रहा हूँ 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 2। एक रिलेशन आर ये दिया है, आपको चेक करना अगेन क्या सिमेट्रिक है कि नहीं है। 1, 2, 2, 2, 1। या फिर चलो ये लिखो, बताओ क्या आर वन सिमेट्रिक है या नहीं है? हाँ सर। यस सर। अब कैसे चेक करेंगे? देखो सबसे पहले देख, अच्छा आर वन सिमेट्रिक आप बता रहे, अच्छा आर टू? यस सर। और आर थ्री? नो सर, आर थ्री नहीं आ रहा। चलो अब चेक करते हैं, ये आंसर बता रहे हैं आरो, चेक कर लेते हैं। अब देखो आर वन में क्या देखना है, हर एलिमेंट, अब देखो सबसे पहला एलिमेंट क्या है 1, 2, क्या इसका रेसिप्रोकल अवेलेबल है? यस सर। इसका रेसिप्रोकल कौन है? 2, 1, तो ये दोनों अवेलेबल, काम हो गया। 3, 3 का रेसिप्रोकल कौन होगा?
3.3 होगा, ये खुद ही होगा ना, तीन का भी काम हो गया है ना। यस सर। 2.3 का रेसिप्रोकल 3.3, ये भी प्रेजेंट है, इसका भी काम हो गया, इन सबका ठीक आ गया। लास्ट में 2.2 का रेसिप्रोकल आपका रिफ्लेक्सिव, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव, ये हो गया आपका सिमेट्रिक, लास्ट ट्रांजिटिव, लास्ट है मेरा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन समझते हैं। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं, ध्यान समझना। ये बोला गया किसी सेट आर में, सॉरी किसी रिलेशन आर में, इफ कोई रिलेशन आर में, इफ मान लो ए कोमा बी उस रिलेशन आर के अंदर प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है, ए कोमा बी मान लो उसमें प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ बी कोमा सी भी उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ए कोमा बी और बी कोमा सी। अब यहाँ पे देखो, ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, फर्स्ट सेट का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, सेम। तो वो इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि अगर a कोमा b रिलेशन r के अंदर आ रहा है और b कोमा c भी रिलेशन r के अंदर आ रहा है, तो अगर उसको ट्रांजिटिव बनाना है, अगर उसको ट्रांजिटिव बनाना है तो a कोमा c को भी रिलेशन r के अंदर आना पड़ेगा, a कोमा c को भी रिलेशन r के अंदर आना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें एक केस और स्पेशल केस, एक नोट अपन को ध्यान रखना है, इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझना, इसमें बहुत ट्रिक भी खेलता है जेई एक दो क्वेश्चन में, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वापस सुनना। मैंने क्या बोला है कि ट्रांजिटिव कब, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या बताई गई है कि अगर a कोमा b है और उसके साथ साथ b कोमा c भी प्रेजेंट है तो इनका ट्रांजिशन आना चाहिए। इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा, a और b c का ट्रांजिशन क्या बनेगा, b b कैंसिल कर दो, इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा, ए सी, तो ए सी का होना जरूरी है। अगर इन दोनों के साथ साथ अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि कब ट्रांजिशन नहीं बनेगा, अगर किसी भी दो पेयर का ट्रांजिशन पेयर अगर नहीं बन रहा तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। मान लो अगर ए बी है, बी सी है, लेकिन अगर ए सी प्रेजेंट नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन इट इज नॉट ट्रांजिटिव, देन इट इज नॉट ट्रांजिटिव। रेस्ट इवन मतलब किसी एक एलिमेंट में अगर ऐसा पॉसिबल हो रहा है तो नॉट ट्रांजिटिव, अदरवाइज 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 इट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो इसको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे से समझ। हां बोलो बोलो। हां हां, जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तब ये क्या ट्रांजिटिव होगा क्या? हां हां, मैं वही समझाऊंगा, अभी उसी में कंफ्यूजन होता है, वो जनरली बुक में डिटेल में देते नहीं है, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना भी, एक एग्जांपल पे आपको वो वाला डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, मतलब बेसिकली ट्रांजिशन की डेफिनेशन क्या समझाई गई कि ट्रांजिटिव का मतलब ये है कि अगर ए कोमा बी सेट, ए कोमा बी और बी कोमा सी सेट आर के अंदर आ रहा है, समझना इसको, ए कोमा बी और बी कोमा सी सेट आर के अंदर आ रहा है तो ए कोमा सी को भी आना पड़ेगा, तो वो ट्रांजिशन बनेगा। अगर दो एलिमेंट है जिनका ट्रांजिशन चल रहा है तो उसका ट्रांजिशन पेयर उसके अंदर आना चाहिए, लेकिन अगर ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है, अगर मान लो किसी एलिमेंट में ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है तो हम चेक ही नहीं करेंगे, उस केस में मैं ऑटोमेटिकली वो मेरा ट्रांजिटिव ही रहेगा, उस केस में ऑटोमेटिकली वो मेरा ट्रांजिटिव एलिमेंट ही रहेगा। अब इसको समझा रहा हूं, ध्यान समझना। कोई रिलेशन मान लो आर डिफाइन किया गया 1.2, 3.2, 2.3, 1.3, ठीक है, हाँ, और एक और एलिमेंट ले लो मानो 2.2। अब ध्यान से देखना, ये रिलेशन आर दे दिया है मेरे को और पूछा है बताओ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ट्रांजिटिव के लिए का मुझे चेक करना है, तो चेक करने का तरीका समझना। सबसे पहले मैं एक ही एलिमेंट को चेक करूंगा, सबसे पहले मैंने एलिमेंट ले लिया 1.2, अब ट्रांजिशन चेक करने के लिए इसके साथ किसका पेयरिंग करूंगा मैं, जो भी एलिमेंट 2 से स्टार्ट होगा, 2.2, तो 2 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं,
और कौन सा है? 2.2 है। और कोई भी है क्या? नो सर। इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 1.3। तो क्या सर, इसका ट्रांजिशन बनेगा 1.3 और इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 1.2। क्या 1.3 प्रेजेंट है? यस सर। यस सर। 1.2 प्रेजेंट है? यस सर। नो सर। अरे इसके लिए मैंने चेक कर लिया है ना, ये इसके लिए राइटिंग आ गया, क्लियर है? अगला एलिमेंट देखते हैं, 3.2। बस ये तरीका ध्यान रखिए, तरीका अगर अप्लाई करोगे कभी गलती नहीं होगी। 3.2 में वापस क्या देखेंगे, 2 से स्टार्ट होने वाले, तो 2 से कौन-कौन स्टार्ट हो रहा है? 2, 3 और 2, 2। यस सर। तो इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 2, 2 कैंसिल, 3.3। इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 3.2। क्या ये दोनों प्रेजेंट है? नो सर। 3.3 प्रेजेंट नहीं है, तो जैसे ही एक भी क्रॉस आता है तो अपन क्या बोल देंगे? नॉट ट्रांजिटिव। क्या बोल देंगे? नॉट ट्रांजिटिव। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, अगर एक भी पेयर के लिए नॉट ट्रांजिटिव है अपन डायरेक्टली क्या बोल देंगे? द कंप्लीट आर आर वन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। हां, अब यहां पे देखो एक ऑब्जर्वेशन करो, एक समय बचाने के लिए जब भी हम सेम एलिमेंट के साथ ट्रांजिशन देखते हैं, मतलब ए कॉमा ए के साथ किसी का भी ट्रांजिशन देखोगे, ए कॉमा ए के साथ किसी का भी ट्रांजिशन देखोगे, देखो वो खुद ही आ जाता है, है ना? यस सर। 1.2 का हमें 2.2 के साथ ट्रांजिशन देखो तो वापस 1.2 ही आ रहा है। 3.2 के साथ भी अगर मैं 2.2 का ट्रांजिशन देखूं तो वापस 3.2। तो इसके लिए कभी चेक करने की जरूरत है क्या आपको? क्योंकि देखो इस ये जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं वो तो खुद तो हमेशा प्रेजेंट होगा ही ना, इसके लिए तो हमेशा राइट टिक ही आएगा, क्योंकि उसके लिए जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं तो वो तो खुद तो हमेशा ही प्रेजेंट होगा, है ना? तब समय समय बचाने के लिए इन एलिमेंट को नहीं भी चेक करोगे तो भी चलेगा, क्लियर है? किनको चेक नहीं करने की जरूरत? जैसे मान लो मेरे पास कोई है a, b, तो a, b के साथ b के साथ हमेशा ट्रांजिशन बनाएगा, है ना? दिस इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, क्लियर है? क्योंकि इनका इनका ट्रांजिशन बनेगा कि a, b तो बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। पहली चीज मैंने ये समझाई कि ट्रांजिटिव कब नहीं होगा ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिटिव का अगर एक भी एलिमेंट के लिए डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रही तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? नॉट ट्रांजिटिव। एक भी एलिमेंट में अगर ये डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रही तो आप क्या लिखोगे? नॉट ट्रांजिटिव। क्या बात समझ में आई? यस सर। यस यस। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें आपका दूसरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लो रिलेशन R1 मैंने डिफाइन किया गया है 1.2, 3.1 और 1 सॉरी चलो ये दो ले लिए मैंने और एक और ले लेते हैं कुछ 4.2 मान लो 1 से स्टार्ट हो रहा है 2 से 2 ले लेते हैं। ये R1 डिफाइन किया गया, अब मुझे बताना है चेक फॉर ट्रांजिटिव। सर नहीं है। सर है। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये मुझे बताओ किसके लिए डेफिनेशन फॉलो नहीं कर पा रहा है? क्या ऐसा कोई पेयर बन रहा है जिसमें इनवैलिड बता रहा है? ऐसा कोई पेयर, ऐसे कोई दो पेयर है जिनका ट्रांजिशन आ रहा है लेकिन इसमें अवेलेबल नहीं है? किस केस में ट्रांजिटिव के डेफिनेशन को इनवैलिड करेगा? क्या ऐसा कोई पेयर, ऐसे कोई दो पेयर है जिनका ट्रांजिशन इसके अंदर है? देखो 1.2 का किसी के साथ ट्रांजिशन बन सकता है क्या? नो सर। नो सर। 3.1 का किसी के साथ ट्रांजिशन बन रहा है क्या? नो सर। बन रहा है। नो सर। बन रहा है। 1 से स्टार्ट होने वाला है ना? 1.2 है ना? यस सर। आप इनका ट्रांजिशन क्या रहेगा? 3.2 अवेलेबल नहीं तो नॉट अवेलेबल। एक काम करते, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, फिर अपन यहाँ पे एक काम करते 2 ले लेते हैं ताकि मेरे को जो एग्जांपल आपको समझाना वो क्लियर हो जाएगा। मान लो 2 ले लिया आपने, क्लियर है? अब चेक करो क्या 1.2 के साथ किसी का ट्रांजिशन बनेगा? नो सर। नो, क्योंकि 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी है। 3.2 का किसी के साथ ट्रांजिशन बनेगा? नहीं। और 4.2 का भी किसी का ट्रांजिशन नहीं बनेगा, है ना? किसी के साथ ट्रांजिशन बन ही नहीं रहा है तो वो अपनी डेफिनेशन को इनवैलिड कर रहा है क्या? बोलो। यस सर। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। देखो ट्रांजिटिव कब नहीं होता, देखो ये बात बहुत ध्यान से सुनो, ट्रांजिटिव कब नहीं होता ये आपको ध्यान रखना। ट्रांजिटिव कब नहीं होता? जब दो लोगों का ट्रांजिशन का जो एलिमेंट है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे किसी के साथ ट्रांजिशन बन ही नहीं रहा है तो ऐसे केस में हम इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे वो अपनी डेफिनेशन को इनवैलिड नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? जब किसी के साथ ट्रांजिशन बना ही नहीं रहा है ना तो अपनी डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है तो हम क्या बोलेंगे? यस इट इज ट्रांजिटिव। यस इट इज ट्रांजिटिव।
ठीक है, ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अपने रूल को डिनाई नहीं कर रहा है बेसिकली। अगर मान लो ट्रांजिटिव कम नहीं होता, ये आपको सोचना है, ट्रांजिटिव कम नहीं होता कि मान लो दो ट्रांजिटिव पेयर रहते और उसका जो आंसर आता वो अगर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, जैसे पिछले केस में मेरे पास 3-2 और 2-3 प्रेजेंट थे, लेकिन इनका ट्रांजिटिव 3.3 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं, इसलिए डायरेक्टली क्या बोलते हैं, नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन यहाँ पे कोई ट्रांजिशन पेयर बन ही नहीं रहा है, तो अपनी डेफिनेशन को तो इनवैलिड नहीं कर रहा है वो, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। बोलो, ये समझ में आया, इसको आपको याद रख लेना, ऐसे केस कर लोगे याद। समझा दिया मैंने, रटने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समझा दिया क्यों नहीं बोल रहा था आपको, सिर्फ ये देखना ट्रांजिटिव कब नहीं बनेगा, ट्रांजिटिव कब नहीं बनेगा, इस केस में ट्रांजिटिव नहीं बनेगा, मान लो ट्रांजिशन पेयर बन ही नहीं रहा तो ऑलवेज ट्रांजिटिव है। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। सर अगर तीन एलिमेंट है किसी सेट में एक्स वाई और जेड, और अगर रिलेशन बन रहा है कि एक्स कॉमा वाई और एक्स कॉमा जेड, और वाई कॉमा जेड नहीं बन रहा है सर रिलेशन, तब ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल एक चीज लिया, एक मिनट अपन ले लेते एक बार, एक सेकंड मैं पेज ऐड कर रहा हूँ। हाँ वापस एक बात आना, कोई हमारो है रिलेशन आर डिफाइन किया, क्या क्या इसके अंदर है सर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है, हाँ, और एक्स कॉमा जेड है, एक्स कॉमा जेड है, हाँ, पर वाई कॉमा जेड नहीं है, वाई कॉमा जेड, बस इधर दो ही एलिमेंट है बस। यस सर। हाँ अब क्या यहाँ पे कोई ट्रांजिशन पेयर बन रहा है क्या, चेक करो। नो सर। x कॉमा y का ट्रांजिशन कब बनेगा, जब y से कोई एलिमेंट स्टार्ट होगा, कोई y से एलिमेंट है क्या, नहीं है। दूसरा x कॉमा z का ट्रांजिशन कब बनेगा, जब z से कोई स्टार्ट होगा, तो यहां पे ट्रांजिशन अवेलेबल, तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव सर है, ट्रांजिटिव है, जब कोई ट्रांजिशन पेयर बन ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, यस ट्रांजिशन, यस ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया आप? यस सर। यस सर। सबके दिमाग में बैठ गया क्या बात, बोलो बच्चों। यस सर। Yes, sir. चलो अब मैं आपको ऑफिशियल डेफिनेशन एक बार तीनों की बता देता हूँ, ध्यान से देखना। ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पढ़ो। A relation R on set A is said to be reflexive if every element, ध्यान रखना, every element of set A is related to itself. If related to itself, that is A comma A belongs to R for all A belongs to set A. है ना, ये डेफिनेशन है, और हर मीनिंग, हर लाइन का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। A कॉमा ए आर के अंदर आना चाहिए हर एलिमेंट ए के लिए, सेट ए के हर एलिमेंट का A कॉमा ए का पेयरिंग होना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। सिमेट्रिक के बारे में क्या जानकारी दी गई थी, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ, अगर ए कॉमा बी इसके अंदर आ रहा है, तो विच इम्प्लाइज बी कॉमा ए को भी आर के अंदर आना पड़ेगा, तो वो क्या बोलेगा, सिमेट्रिक बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, अगर a कॉमा b है, तो आपको सिमेट्रिक के लिए क्या बोला, गिवन a कॉमा b बिलोंग्स टू r, या आपकी गिवन कंडीशन है कि अगर ये है, विच इंप्लाइज b कॉमा a को भी उसके अंदर आना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ये बोला गया कि अगर x और y आपस में रिलेट कर रहे हैं, और y और z आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो x और z को भी आपस में रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा, ये। क्लियर है? बोलो। यस सर। अब देखो यहां पे इन्होंने नोट भी किया, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव ओनली वेन ये दोनों है और ये अगर नहीं है, इन ऑल अदर सिचुएशन आर इज ट्रांजिटिव। अब इस नोट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, है ना? यस सर। आगे समझ में, रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव ओनली वेन, अगर मान लो ये दोनों है और ये नहीं आ रहा हो, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी सारी अदर सिचुएशन में क्या बोलेंगे, इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। चलो एक क्वेश्चन करके दिखा दो, ये आर वन आर टू आर थ्री है, चेक करो ट्रांजिटिव है या नहीं। सर आर थ्री ट्रांजिटिव है, आर वन भी ट्रांजिटिव है, सर आर वन भी ट्रांजिटिव है। यस सर। हाँ बच्चों, क्या क्या है आपका आंसर, आर वन ट्रांजिटिव है।
कौन कौन से आर वन और आर थ्री चलो चेक आर थ्री ट्रांजिटिव अब देखो इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा 1-3-1-3 अवेलेबल है और किसी का ट्रांजिशन बन रहा है क्या 2 सिस्टर्न वाला ये अकेला 3 सिस्टर्न वाला कोई नहीं है और 3 सिस्टर्न वाला कोई नहीं है क्या इसका ये आर वन ट्रांजिटिव है देखो सिर्फ एक ही पेयरिंग यहाँ पे बन रही है 1,2 और 2 सिस्टर्न वाला कौन है 2,3 इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा 1,3 वो प्रेजेंट है अगला एलिमेंट देखते हैं 2,3 अब 2,3 में ये थ्री से कोई स्टार्ट हो ही नहीं रहा तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है 1,3 में अगेन 3 से कोई स्टार्ट हो ही नहीं रहा है तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं तो क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव यस कैसा नो नेक्स्ट अगला देखते हैं 1,2 और 2,3 का ट्रांजिशन क्या बनेगा 1,3 1,3 प्रेजेंट है 2,3 में देखेंगे 3 से स्टार्ट वाला कोई भी नहीं है 1,3 में 3 से स्टार्ट वाला कोई नहीं है 4,5 और 5,1 का ट्रांजिशन क्या बनेगा 4,1 प्रेजेंट है क्या नो सर हां तो 4,1 इज नॉट प्रेजेंट तो यहां पे मैं लिख दूंगा सेकंड केस में यहाँ पे 4,1 does not belongs to R2, therefore not transitive. तो ये not transitive है. थर्ड वाले में यहाँ पे कोई transition pair बन रहा है क्या? Sir, no. क्या ये transitive है या नहीं? No sir. No. Yes sir. Transitive. Transitive है. Yes sir. Definition के लिए कर रहा है तो transitive है. अब clear हो गई सबको? Yes sir. अब देखो अब JEE के question. अच्छा एक last line. अगर कोई relation reflexive भी हो सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिटिव भी हो तीनों अगर तीनों को सेटिस्फाई कर रहा हो रिफ्लेक्सिव भी सेटिस्फाई कर रहा है सिमेट्रिक भी सेटिस्फाई कर रहा है ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाई कर रहा है ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंस वेरी गुड बहुत बढ़िया इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो ट्रांजिटिव भी हो तो ऐसे रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा इक्विवेलेंस रिलेशन ध्यान रखना क्लियर है चलो अब लगाओ दिमाग यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में आराम से शांति से सोचो दो रिलेशन दिए R1 R2 और मुझे बताओ R कौन सा ऑप्शन सही होगा ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के बारे में चेक करना है करो चेक हाँ बताओ बच्चों आया आंसर सिमेट्रिक के बारे में चेक करना है और ट्रांजिटिव के बारे में चेक करना है तो सबसे पहले सिमेट्रिक चेक करते हैं सबसे पहले आर वन के बारे में देखते हैं आर वन सिमेट्रिक है हर एलिमेंट को चेक करते देखो सबसे पहला एलिमेंट क्या है एसी एसी अवेलेबल है क्या यस सर कहाँ पे एसी हाँ ये रहा थर्ड अच्छा बीबी को तो चेक करने की जरूरत नहीं है तो ऑलवेज अवेलेबल रहता है इसका रेसिप्रोकल खुद ही है और सीसी का भी रेसिप्रोकल खुद ही है अब बीसी का रेसिप्रोकल सीबी सीबी अवेलेबल का भी काम हो गया और ये भी अवेलेबल है मतलब आर वन हर एलिमेंट को टिका गया आया ना यस सर यस सर यस सर तो आर वन सिमेट्रिक हो जाएगा आर वन सिमेट्रिक हो जाएगा हाँ है ना Yes sir. Yes sir. अब देखो इससे कौन-कौन से ऑप्शन रिजेक्ट हो गए? Not symmetric ये ऑप्शन गलत हो गया. R1 not symmetric ये भी ऑप्शन गलत हो गया है ना? Yes sir. Yes. Yes sir. अब मुझे ये ऑप्शन ये देखना है कि अब R2 के बारे में देखना है. R2 और R2 symmetric है कि नहीं है और ट्रांजिटिव के बारे में देखना है. अब देखो इन दोनों ऑप्शन में बोला कि R2 के बारे में चेक करना है. अब R1 के बारे में ट्रांजिशन चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि या तो B होगा या तो C होगा या तो D होगा. दोनों में क्या चेक करने को बोला है?
ट्रांजिटिव, दोनों में क्या चेक करने को बोला है? ट्रांजिटिव है ना, ठीक है। और अच्छा आर टू सिमेट्रिक है ये भी बोला गया, एक बार सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं आर टू के लिए, क्या आर टू सिमेट्रिक है कि नहीं है? सर है, सिमेट्रिक हाँ, देख लेते हैं। ए बी का रेसिप्रोकल बी ए अवेलेबल है, इसका रेसिप्रोकल अवेलेबल रहता है, ये सी ए का रेसिप्रोकल ए सी भी अवेलेबल है, हाँ ये तो ये सिमेट्रिक भी है, तब बस ट्रांजिशन चेक करना ही पड़ेगा, तब आर टू का ट्रांजिशन चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव चेक करना है किसका? आर टू के लिए। आर टू के लिए ट्रांजिटिव चेक करने का तरीका आपको हमने ऑलरेडी सिखा रहा है, एक करके सारे एलिमेंट लो। सबसे पहले एलिमेंट ले लेंगे ए कोमा बी, तो बी से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट कोई है क्या? अभी बताया था बी कोमा बी से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी कोमा बी के साथ ट्रांजिशन देखो तो वापस ए कोमा बी आएगा, और इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? ए कोमा ए, क्या ए कोमा ए अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है ना, इसका काम हो गया। नेक्स्ट किसका चेक करेंगे? बी कोमा एक करके ए कोमा बी का चेक कर लिया, अगला किसका चेक करेंगे? बी कोमा ए का। अब ए से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है? ए से स्टार्ट होने वाला ए बी, ए बी, ए बी, ए बी है, और ए ए बी है, लेकिन ए से चेक करने की जरूरत नहीं। अब इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? बी कोमा बी, क्या बी कोमा बी अवेलेबल है? हाँ है। इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? ए कैंसिल, बी कोमा सी, क्या बी कोमा सी अवेलेबल है? नो सर। बी कोमा सी अवेलेबल है क्या? नो सर। नहीं, तो यहीं पे कैंसिल हो गया, तो डायरेक्टली क्या बोलोगे? ट्रांजिटिव या नॉट ट्रांजिटिव? नॉट ट्रांजिटिव। तो आपका आंसर सी आएगा, डी नहीं आएगा। आपका डी क्यों आ रहा? अब समझ में आया गलती? जे ही देखो ऐसे गलती करवाता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करो कि गलती नहीं होगी। क्या बात समझ में आएगी सबको? यस सर, यस सर। सबको क्लियर हो रहा? किसी को डाउट हो तो वापस पूछ लो, कोई स्टेप नहीं समझ में आई तो वापस पूछ लो कहीं पे भी। बोलो बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करो। अब ट्राई करो, ये 2005 में आया था, इसको सोच के देखो क्या आएगा इसका। इस बार कोशिश करना गलती ना हो, आराम से टाइम लो, अच्छे से कोशिश करो प्रॉपरली। ये सीख गए ना, आज एक दो वैरायटी ट्राई करेंगे, ये सीख गए तो आपका पूरा काम हो जाएगा। अच्छे से ट्राई करो इसको। सर ए ऑप्शन ए, सर ऑप्शन ही आएगा। हाँ ए आ रहा है? यस सर, यस सर। चलो वापिस देखते हैं ए सही है कि नहीं है। अगेन तीनों चीजों के बारे में मुझे चेक करना है। सबसे पहले मैं देखता हूँ रिफ्लेक्सिव। अब सेट ए के अंदर कौन कौन एलिमेंट अवेलेबल है? 3, 6, 9, 12। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए। क्या 3, 3 है? हाँ है। 6, 6 भी है, 9, 9 भी, 12, 12 भी। तो क्या रिफ्लेक्सिव हो जाएगा? यस सर, यस सर। आपको समझ में आया? रिफ्लेक्सिव के लिए राइट टी कर रहा है, आया ना? यस सर। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। अगला क्या चेक कर रहे हैं? सिमेट्रिक। अब देखो इनका इनका रेसिप्रोकल तो खुद के साथ अवेलेबल है, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। 6, 12 का रेसिप्रोकल कौन होगा? कोई नहीं। 12, 6 है। अब 12, 6 इसमें अवेलेबल है क्या? नो सर। 12, 6 does not belong, देखो एग्जाम में बोर्ड्स में ऐसे लिखना, 12, 6 does not belongs to R, therefore not symmetric, है ना? क्या आगे चेक करने की जरूरत है क्या? नो सर। अब देखो ऑप्शन लिखे था, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया।
और रिफ्लेक्सिव ओनली भी गलत हो गया, आप आंसर क्या जाएगा ए आया ना? यस सर। अच्छा ये भी सही हो सकता है रिफ्लेक्सिव भी, तो रिफ्लेक्सिव ओनली भी है ना, हो सकता है ट्रांजिटिव ना है। आपने ट्रांजिटिव चेक किया था कि नहीं किया था? सर किया था। यस सर। सारे सारे के लिए ट्रांजिशन बना रहा है? यस सर। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखो इसमें तो चेक करने की जरूरत नहीं, 6 12 से स्टार्ट कर दें। तो 12 से स्टार्ट होने वाला कौन-कौन है, कोई है क्या? कोई भी 12, 12, लेकिन 12, 12 देखने की जरूरत नहीं है, उसका ट्रांजिशन ही खुद ही बनेगा है ना। अगला देखते हैं 3.9, तो 9 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? 9.9 का ट्रांजिशन ये खुद ही बनेगा, तो ये तो खुद तो होगा ही ना। अगला है 3.12, 12 से स्टार्ट होने अगेन एक ही एलिमेंट कौन है, 12.12, तो ये भी बन जाएगा। ये आस बनेगा 3.6, 6 से स्टार्ट होने वाला कौन एलिमेंट है, 6.12 है ना, इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? यस सर। 312 का 312 अवेलेबल है? यस सर। तो ट्रांजिशन हां ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस बार। बहुत बढ़िया, आप सबने सही किया इस बार। क्लियर है सबको? यस सर। बहुत बढ़िया, चलो और लेवल बढ़ाते हैं। चलो पहले ये वाला करें, ये वाला ट्राई करो। ये लास्ट ईयर आया था जी मींस 2023 में, मैं सिखाऊंगा कैसे करना है, एक बार आप अपने एंड पे ट्राई करो, आप क्या तरीका अपनाते फिर मैं अपना तरीका सिखाऊंगा। आज का लास्ट क्वेश्चन करो ट्राई, चलो इसको। आपको पता है सर ऑप्शन ए। चलो देखो क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपसे अगर नहीं भी हुआ किसी बच्चे से तो कोई डरना मत, घबराना मत, चलेगा। ये जनरली पहली बार में होता नहीं है, बहुत सी बार नहीं होता है इसको, बस तरीका एक्चुअली बहुत अच्छा है। वो तरीका अगर आपने समझ लिया ना तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अभी स्टार्टिंग है, पहली बार आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आया है, आप इस क्वेश्चन का तरीका समझना बच्चों, मैं किस तरीके से अपना रहा हूं। वो तरीका अगर आपने मैनिपुलेशन सीख लिया तो हर इस टाइप के हर क्वेश्चन को आप आगे जाके सीख पाओगे। सब लोग अब ध्यान से देखो, अभी अभी लिखो मत कुछ भी, सब लोग आप इधर स्क्रीन पे ध्यान दो, तरीका अच्छे समझो। अब देखो क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। अ रिलेशन आर डिफाइन ऑन एन, रिलेशन आर इज डिफाइन ऑन एन एस ए आर बी। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझो, रिलेशन आर एन पे डिफाइन, एन मतलब नेचुरल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ए और बी जो वैल्यू है वो आपकी नेचुरल नंबर, ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में से आनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसी आनी चाहिए। क्लियर है? ये बात है। और रिलेशन आर किस तरह से डिफाइन किया गया है कि 2a + 3b की जो वैल्यू आएगी वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5, इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ये रिलेशन आर की डेफिनेशन है कि मुझे a, b इस तरह से लेने हैं, a, b की वो सारी पेयरिंग इस तरह से लेनी है
ताकि 2a plus 3b की जो वैल्यू है वो मल्टीपल ऑफ 5 आए. वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 है जहां पे a और b मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए. ये मेरा रिलेशन आ रहा है. क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? ये बताओ. यस सर. ठीक है. है ना. तो मतलब r को किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि 2a plus 3b इज अ मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का मल्टीपल मतलब किस तरह का होना चाहिए? 5k टाइप, वेयर k इज सम नेचुरल नंबर, k इज सम कांस्टेंट. आया ना? अभी देखो ये 5 का मतलब 5 का मल्टीपल. अभी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बस 5 का मल्टीपल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 5 का मल्टीपल. जहां पे इनपुट आपका क्या है? नेचुरल नंबर है. मतलब ये पॉजिटिव आएगा खैर आखिरी. है ना? कहने का मतलब क्या है? रिलेशन आर क्या बोला गया? सिर्फ मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए. 2a plus 3b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5 होनी चाहिए. आ गई बात समझ में? बोलो. यस सर. सबसे पहले अपन चेक करते हैं रिफ्लेक्सी. आप मुझे बताओ रिफ्लेक्सी चेक करने का तरीका आपने क्या अपनाया या फिर क्या सोचा कि रिफ्लेक्सी कैसे चेक करेंगे? रिफ्लेक्सी के लिए मैंने आपको ये बोला था कि R के अंदर a कॉमा a आना चाहिए. a कॉमा a के लिए मुझे चेक करना है कि a कॉमा a के लिए क्या ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही है. मतलब LHS और RHS बराबर आ रही कि नहीं आ रही, ये मुझे चेक करना है a कॉमा a के लिए. तो LHS पार्ट में क्या दिया था मेरे पास? 2a plus 3b, जहां पे a मेरा इनपुट है, b मेरा क्या है? आउटपुट. a कॉमा b मतलब a इनपुट b आउटपुट. तो आउटपुट भी अगर मैं b रख दूं, आउटपुट की वैल्यू भी क्या रख दूं? b की जगह a रख दें. है ना? तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a plus 3 दैट इज 5a. क्या है? 5 का मल्टीपल है. यस सर. है ना? मतलब अगर a कॉमा a ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा. आप a को आप कुछ भी रखो, अगर a कॉमा a में रखूंगा तो हमेशा क्या आएगा? 5a. 5a इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा. क्या समझ में आया? यस सर. बहुत बढ़िया. सेकेंड बारी आती सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक के लिए चेक करना है. अब बहुत ध्यान से मानना, सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर मान लो अपन अज्यूम कर लेते हैं, लेट क्वेश्चन में बोला भी गया a कॉमा b बिलोंग्स टू r, a कॉमा b r को बिलोंग कर रहा है, तो ये मेरा गिवन डेफिनेशन है. मतलब मेरे पास गिवन डेटा क्या है कि a कॉमा b r के अंदर आ रहा है. इसका मतलब 2a plus 3b की वैल्यू 5k के बराबर है. आया ना? 2a plus 3 की वैल्यू किसके बराबर है? 5k के बराबर. क्लियर है? बोलो. यस नो? मुझे क्या चेक करना है? मुझे ये चेक करना है कि क्या b कॉमा a r के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. b कॉमा a r के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे चेक करना है. है ना? सर a भी बिलोंग टू r के n है. क्या हुआ? सर a भी बिलोंग टू r है कि n है? नहीं नहीं नहीं, r r ना, रिलेशन r. a कॉमा b बिलोंग्स टू r. a कॉमा b जो पेयर है वो अगर r के अंदर आ रहा है, बिलोंग्स टू r. r इज द रिलेशन जहां पे a b बिलोंग्स टू. अच्छा, ये n मतलब नेचुरल नंबर है. इसका मतलब ये कि वैल्यू आपको नेचुरल नंबर लेनी. क्लियर है? यहां पे ब्रैकेट नहीं है, यहां पे ब्रैकेट बता रहा हूं. ब्रैकेट द कंप्लीट सेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r. तो अगर a कॉमा b r को बिलोंग करता है, मतलब 2a plus 3b की वैल्यू 5k के बराबर है. मुझे चेक करना है b कॉमा a r के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा. b कॉमा a का डेफिनेशन क्या बनेगा? देखो a कॉमा b का डेफिनेशन क्या? इनपुट अगर a, आउटपुट b है, तो 2a plus 3b. तो b कॉमा a के लिए LHS पार्ट क्या बनेगा? 3 2b plus 3a. करेक्ट? 3 yes sir. है ना? इनपुट b हो जाएगा, इनपुट क्या हो जाएगा? b, आउटपुट क्या हो जाएगा? a. तो 2b plus 3a यही बनेगा. बोलो. यस सर. यस. अब ये 2b plus 3a की वैल्यू है, ये 5k का मल्टीपल है कि नहीं है, ये चेक करना है. तो कैसे चेक करें? 2b plus 3a जो आ रहा है, ये 5k का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, कैसे डिराइव करें? सर जो ऊपर जो 2a plus 3b is equal to 5k है, उसमें घटाना पड़ेगा. घटाए, लेकिन अगर इसको घटा दोगे तो जोड़ने पर. अच्छा, जोड़ दे. यस सर. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. देखो एक बच्चा बोल रहा है कि सर LHS में मेरे पास क्या आ रहा था, मुझे किसके बारे में चेक करना है? 2b plus 3a. अब ये 5 का मल्टीपल है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है. मेरे पास एक गिवन डेटा क्या है? मेरे पास गिवन डेटा सिर्फ यही है कि 2a plus 3b की जो वैल्यू वो तो 5 का मल्टीपल है. 2a plus 3b की वैल्यू क्या है? 5 का मल्टीपल. ये मेरे पास गिवन डेटा है ऑलरेडी. मुझे चेक करना है 2a plus 3b है कि नहीं है. ठीक है, तो देखो 2a plus 3b, 2b plus 3 ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे. तो मैं क्या कर रहा हूँ? खुद से 5 ऑफ k ऐड कर रहा हूँ, 5 ऑफ k सबस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. 5k मैंने ऐड किया, 5k मैंने सबस्ट्रैक्ट किया. किसी भी नंबर में सेम नंबर को ऐड करने पे, सबस्ट्रैक्ट करने पे नंबर तो सेम ही रहता है. आया ना? Yes, बोलो. यस सर. 2b plus 3a और 5k की वैल्यू ऑलरेडी अभी अपन ने निकाल रखी. क्या है 5k की वैल्यू? 2a plus 3b. सर 3b है. क्या हुआ ऊपर? 3b
बीबी कहाँ है, टू बी तो है, इसके लिए चेक कर रहा हूँ ना बेटा। यस सर जी, टू बी प्लस थ्री है ना, मैं किसके लिए चेक कर रहा हूँ, बी कोमा ए की पेयरिंग चेक कर रहा हूँ, तो बी कोमा ए की पेयरिंग क्या बनेगी, टू बी प्लस थ्री है तो बनेगी। यस सर, ये जो 5k है इसकी वैल्यू 2a plus 3b, तो जो 5k है इसकी वैल्यू क्या है 2a plus 3b, है ना, क्लियर है। तो एक 5k को मैंने ऐसे लिखा, बचे 5k को कैसे कैसे रेंज किया। अब देखो ध्यान से, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा क्या बनेगा, 4a 2, देखो 2b plus 3b कितना बनेगा 5b 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 5a 5a minus 5k, क्या इन सब में से 5 कॉमन लिया जा सकता है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मैं चार्जिंग लगा रहा हूं। हां, इन सब में से 5 कॉमन आप ले सकते हो, और जो आंसर आएगा क्या वो 5 का मल्टीपल होगा? यस सर, यस सर, यस सर, आएगा 5 का मल्टीपल, इस सब में से 5 कॉमन ले लेंगे, जो भी अंदर बचेगा कोई ना कोई 5 का मल्टीपल होगा, मान लो बोलते थे 5 लैम्डा, क्या क्लियर है, इक्वल टू आरएचएस, तो देयरफॉर इट इज आल्सो सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। अब देखो कैसे मैनिपुलेशन किया, समझ में आया, खुद से एक बार ट्राई किया अपन ने, वो 5 की बनाने की कोशिश किया, अगर बन रहा है तो अच्छी बात, मान लो नहीं बन रहा, नहीं बन पाता तो अपन क्या बोलते हैं, नॉट सिमेट्रिक, नहीं बन पाता तो क्या बोलते हैं, नॉट सिमेट्रिक। अब मैंने कैसे रिलेट किया, मैं को देखो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 2b की वैल्यू थी, तो 2b को 3b के साथ ऐड कर दूंगा और 3a को 2 इसके साथ ऐड कर दूंगा, तो मुझे दिख रहा था अगर एडिशन होगा तो 5 क्रिएट हो जाएगा, अगर एडिशन करूंगा तो 5 क्रिएट होगा। तो ये मेरा गिवन डेटा था, इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या था, गिवन डेटा कि ये तो ट्रू है आपका 2a plus, अगर a comma b belongs to R, मतलब 2a plus 3b 5k का मल्टीपल है, मुझे चेक किसके लिए करना था, मुझे b comma a के लिए चेक करना था, मतलब 2b plus 3a के लिए चेक करना था, तो 2b plus 3a में चेक करने के लिए मैंने ये सब स्टेप अपने, क्या समझ में आया आपको सर? हां बोलो। लास्ट में आपने b plus a minus k को लैम्डा लिख दिया। हां लैम्डा मतलब कोई ना कोई ये कांस्टेंट होगा, है ना, देखो आपका यहाँ पे ये ध्यान समझो, बी एक नेचुरल नंबर है, ए एक नेचुरल नंबर, ये भी एक नेचुरल नंबर है, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, आया ना? यस सर, ये कोई ना कोई एक इंटीजर ही आएगा। यस सर, तो इसको आप कोई ना कोई क्या इंटीजर बोलोगे, तो लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई ना कोई ये इंटीजर आएगा, तो मतलब ये 5 का तो मल्टीपल है ही ना। यस सर, यस, इसमें 5 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो कोई ना कोई क्या होगा इंटीजर, देयरफॉर इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। यस सर, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, और यही तो डेफिनेशन थी मेरी, कि मेरा जो ये जो इनपुट है बेसिकली 2a, जो भी मेरा ये बन रहा है रिलेशन, ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए, अगर ये 5 के मल्टीपल आ रहा है मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब देयरफॉर क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक। हाँ बताओ, और कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने क्लियर करो, कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो पूछो। लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं होगा? हाँ, ये बहुत अच्छा डाउट है, देखो ये कंफ्यूजन आता है कि सर आपने लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, मेरे को क्या डेफिनेशन दी है कि ए और बी मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ए और बी मेरा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे जो वैल्यू है बी प्लस ए माइनस के, ये जरूरी है कि ये नेचुरल नंबर आए, मान लो ए को आपने रख दिया 1, बी को रख दिया आपने 2, के को रख दिया मैंने 5, तो ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा, मतलब कोई ना कोई क्या आएगा, इंटीजर आएगा, आया ना, क्लियर है। अच्छा, ये कोई ना कोई इंटीजर आएगा, अगर मान लो लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगी, मल्टीपल ऑफ 5 रहेगी कि नहीं रहेगी, अगर लैम्डा नेगेटिव भी हो गया तो रहेगी सर। देखो मेरी डेफिनेशन लैम्डा के लिए, लैम्डा मेरा कुछ भी हो सकता है, लैम्डा तो बेसिकली 5, मेरे को क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इनपुट के में क्या बोला गया था, ए और बी नेचुरल नंबर होना चाहिए, और इसके लिए क्या बोला गया, ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि 5 का पॉजिटिव मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल आएगा तो मेरा काम हो जाएगा, और ये 5 का मल्टीपल आ रहा है ना, बोलो। यस सर, ये नेगेटिव भी होगा तो भी चलेगा, क्या ये बात समझ में आई? यस सर। और जो भी डाउट डेवलप हो रहा है क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और दिमाग में कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो पूछ लो। ये अपन ने रिफ्लेक्सिव के लिए चेक किया, रिफ्लेक्सिव में मेरे पास 5 आ रहा था, मतलब 5 का मल्टीपल आ रहा था, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, मेरी रिलेशन आर को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमेट्री के लिए मैंने 2a plus 3b को चेक किया, जो 2a plus 3b का फाइनल वैल्यू मेरा 5 टाइम्स लैम्डा आ रहा है, मतलब ये भी 5 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा, मतलब सिमेट्रिक हो गया। अब लास्ट मुझे दिमाग लगाना है ट्रांजिटिव के लिए, लास्ट किसके लिए दिमाग लगाना है, ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए चेक करने के लिए हम डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये मानते खुद से, आया ना, बोलो। यस सर। और किसके लिए चेक करना रहता है, ए कोमा सी,
हमें चेक करना है कि ए कोमा सी आर के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। अगर ए कोमा सी आर के अंदर आ जाएगा मतलब ट्रांजिटिव हो जाएगा, और ए कोमा सी अगर आर के अंदर नहीं आएगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब देखो गिवन डेटा को प्रॉपरली उतारते हैं। अगर ए कोमा बी आर के अंदर आ रहा है इसका मतलब मेरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए कोमा बी का क्या बनेगा, टू ए, बोलो बच्चों ए कोमा बी के लिए पेयरिंग 2a plus 3b, 2a plus 3b। तो मैं गिवन डेटा में उतार रहा हूं, गिवन डेटा मेरा क्या हो जाएगा 2a plus 3b की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, मल्टीपल ऑफ 5 है तो 5k लिखो, 5k है ना, यस सर, यस सर। दूसरा पेयरिंग मैंने क्या अज्यूम किया था बच्चों, b कोमा c, तो b कोमा c के लिए भी मैं लिख देता हूं, b c को भी गिवन डेटा माना था, तो b कोमा c के लिए क्या पेयरिंग बनेगी, 2b plus plus 3b थ्री सी, ये भी कोई ना कोई 5 का मल्टीपल होगा तो 5k डैश लिख गया, क्लियर है, केवल लिख केवल ले लेवल, क्लियर है। तो ये दोनों मेरी गिवन डेटा है, मुझे चेक क्या करना है, a माइनस ac, ac का क्या बनेगा LHS 8 2a plus 3c, मुझे ये चेक 2a plus 3c क्या है 5 का मल्टीपल आ रहा है नहीं आ रहा, ये चेक करना है। अब 2a plus 3c कैसे क्रिएट करो, इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही, अब 1 और 2 है और आपको क्या क्रिएट करना है, 2b plus 3b, क्या क्रिएट करना है 2a plus 3c क्रिएट करना, कैसे क्रिएट करें, 2b plus 3b 5b, हां क्या करें सर, 2b plus 3b, 2b plus 3b इनको ऐड कर रहे हो 5b, हां फिर उससे क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दें, कहने का मतलब क्या, आप 1 और 2 को ऐड करना चाह रहे हो, यस सर दोनों को ऐड करना है, हां ये बताओ ना, बच्चा एक बच्चा बोल रहा है कि सर देखो मुझे क्या क्रिएट करना, 2a plus 3c क्रिएट करना है, तो 2a यहां पे आ रहा है सर, 3c यहां पे आ रहा है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 2a plus 3c क्रिएट हो जाएगा, हां या ना बच्चों, यस सर। तो अगर 1 और 2 को ऐड कर दें, तो 1 और 2 को अगर ऐड करके देख लेते हैं, तो 1 और 2 को ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, 1 plus 2, तो 2a देखो ध्यान से क्या बनेगा, 1 plus 2 तो 2a plus 3b, LHS पार्ट तो ये है, और उसके साथ क्या आएगा, 2b plus 3c equal to 5k plus 5k, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा 2a plus 3c, और देखो 3b plus ये क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा, 5b equal to 5k plus 5k dash, आया ना k1। अब मुझे यहाँ से क्या आ रहेगा 2a plus 3b equal to ये 5 उधर चला जाएगा, तो 5k plus 5k1 minus 5b, क्या सब में से 5 common आ रहा है, yes sir, yes sir, का multiple हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 times n, आया ना, तो ये भी 5 का मल्टीपल है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा था, क्या ट्रांजिटिव भी होगा, यस सर, यस, रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है, सिमेट्रिक भी आया, ट्रांजिटिव, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन ने आपके मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा, बोलो दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा ये क्वेश्चन, यस सर, यस सर, सबके दिमाग में बैठ गया, कैसे सॉल्व किया मैंने, आया ना, ठीक है, एक बार अभी नोट्स भेज दूंगा मैं, एक बार इसको ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन एक बार मैंने दिया है, इस क्वेश्चन को आप घर से खुद से ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप एक बार ट्राई करना, देखना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सर जो इसका लेक्चर बोलो करा था सर, वो एक बार थोड़ा सा और बता दो, हाँ क्या बताऊं, कौन सा वाला सर, इसमें जो ये लास्ट में सर, हाँ ये वाला, ठीक है, देखो ये ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव समझना है आपको, यस सर, हाँ, तो ट्रांजिटिव में हम क्या बोलते हैं कि अगर b कोमा a रिलेशन r के अंदर आ रहा है, और b कोमा c अगर रिलेशन r के अंदर आ रहा है, तो इनका ट्रांजिशन पेयर a कोमा c भी r के अंदर आना चाहिए, तो मेरे पास गिवन डेटा क्या है, b कोमा a बिलोंग्स टू r, b कोमा c बिलोंग्स टू r, अगर ये दोनों रिलेशन r के पार्ट हैं, तो a कोमा c आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे चेक करना है, a कोमा c के लिए मुझे क्या चेक करना है, चेक करना है, क्योंकि देखो ab और bc का ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा, ac बनेगा, तो ac अगर इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा ये चेक करना है, तो डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन क्या थी कि अगर a कोमा b आ रहा है, a कोमा b अगर आ रहा है, तो मतलब 2a plus 3b 5 का मल्टीपल होगा, तो मतलब मेरा पहला गिवन डेटा क्या है a कोमा b के लिए, a कोमा b का पहला गिवन डेटा कि 2a plus 3b equal to 5 की, ये समझ में आ गया आपको, यस सर, a कोमा b r का पार्ट है, इसका मतलब 2a plus 3b की वैल्यू 5k के बराबर होगी, अब b कोमा c भी r का पार्ट है, इसका मतलब 2b plus 3c भी 5k का क्या होगी, मल्टीपल होगी, हां है ना, ये दोनों मेरे गिवन डेटा है, क्लियर हो गई बात, क्योंकि डेफिनेशन तो यही है ना, डेफिनेशन क्या समझा रहा है कि अगर इस a कोमा b इसके अंदर आ रहा है, मतलब ट्वाइस ऑफ इनपुट वैल्यू, ट्वाइस ऑफ इनपुट वैल्यू प्लस थ्राइस ऑफ आउटपुट वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ये a कोमा b के लिए था, अगर b कोमा c है तो a की जगह b आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, बोलो आया क्या समझ में,
यस सर, सर ये इक्वेशन 1 प्लस 2 जो सर लास्ट वाला है, हां ये समझ में आ गया गिवन डेटा कैसे होता रहा अपन ने। यस सर ये सब तो आ गया सर लास्ट आ गया। अब देखो हां एक मिनट समझो, हां मैं समझा रहा हूं। अब आपको चेक किसके लिए करना था, a कॉमा c के लिए चेक करना था। अब a कॉमा c का क्या बनेगा, इनपुट a आउटपुट c, तो a कॉमा c क्या बनेगा 2a प्लस 3b बनेगा। यस सर। अब मुझे ये चेक करना है कि जो 2a प्लस 3 की b की वैल्यू है क्या ये 5 का मल्टीपल है कि नहीं, क्या ये 5 का मल्टीपल है कि नहीं। तो मुझे क्या क्रिएट करना है, 2a प्लस 3b क्रिएट करना है। यस सर। तो 2a प्लस 3c क्रिएट करना है, है ना सर। बोलो क्या क्रिएट करना, बोलो 2a प्लस 3c। अब देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, मैं 2a प्लस 3c कैसे क्रिएट करूं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से 2a प्लस 3c कैसे क्रिएट करें, प्लस करके। प्लस करके ना, एक ही तो तरीका है, इन दोनों को आप प्लस करोगे तभी तो मेरे पास 2a प्लस 3c। अगर माइनस चाहिए होता तो माइनस करता, प्लस ये तो दोनों कर दिया, प्लस कर दिया है ना, इसलिए मैंने दोनों को क्या कर दिया प्लस। आगे बात समझ में। यस सर। जैसे ही प्लस किया 2a प्लस 3b की वैल्यू मेरा 5 का क्या आ गई, मल्टीपल आ गई, और यही मुझे चाहिए था, मतलब ट्रांजिटिव हो गया। ये लास्ट वाली लाइन सर, वो दो लाइन है ना सर, उसके बाद क्या आ गया मतलब वो। अच्छा ये लास्ट वाली लाइन समझ देता हूं, दोनों को ऐड किया, यहां तक ऐड करने पे समझ में आया। यस सर। दोनों को ऐड करने पे देखो ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, देखो ध्यान से 5b plus 2 plus 3c। इक्वेशन नंबर LHS में क्या बनेगा, 2a plus 3b और 2b plus 3c, हाँ है ना। यस सर। और RHS पार्ट क्या बनेगा, 5k, एक तो क्या था 5k और दूसरा पार्ट क्या था 5k1 है ना। yes, अब देखो ध्यान से, मुझे मुझे क्या क्रिएट करना है, 2a plus 3c क्रिएट करना है, मुझे क्या क्रिएट करना है 2a plus 3c। तो 2a कहां पे, ये रहा 2a, 3c कहां पे, ये रहा, तो इन दोनों को साथ में ले ले। यस सर। इन दोनों को साथ में ले लिया, ठीक है बच्चा, अच्छी बात है साथ में ले लिया। अब क्या बचा मेरे पास, 2b plus 3b plus 2b कितना बनेगा 5b, 5b equal to ये होना है 5k plus 5k1, आया ना सर। 2a plus, ठीक है, अब 2a plus 3b की वैल्यू मुझे निकालनी है, सॉरी 2a plus 3c, सॉरी 2a plus 3c, सॉरी yes, 2a plus 3c मुझे निकालना था, आया ना। यस yes, सर। ये आप देखो ये प्लस को उधर जाके माइनस कर देंगे। यस सर। 5k plus 5k1 minus 5 of b, आया ना। यस सर। अब देखो इन सब में से क्या 5 कॉमन आ रहा है। यस सर। और अंदर कोई ना कोई एक नंबर बचेगा, उस नंबर को मैंने n बोल दिया, क्या बोल दिया n, अंदर कोई ना कोई नंबर बचेगा उसको क्या बोल दिया n, तो क्या ये 5 का मल्टीपल है। यस सर, बस यही वाला सर समझ में आ गया। अब आगे बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हो, कोई भी चीज नहीं समझ में आती दो बार पूछो तीन बार पूछो, लेकिन पूछ के ही जाओ, बिना पूछे क्लास के बाहर नहीं जाना है। बोलो क्या ये समझ में आया सबको। यस सर। मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ये भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, मतलब इक्विवेलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस, ठीक है। तो काफी अच्छा चैप्टर था, जेई हर साल एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है, आज आप घर जाके इसको एक बार और प्रॉपरली रिवाइज कर लेना, थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं वो ट्राई करना, और सबको एनसीईआरटी निपटा लेनी है, सबको ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी आज घर जाके पूरी सॉल्व कर लेना, एनसीईआरटी का पूरा पोर्शन मैंने पढ़ा दिया है आपको, क्लियर है। एक दो वेराइटी अभी बाकी पढ़ानी है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो घर जाके, क्लियर है। यस सर। यस सर। मैं अच्छा था क्या। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। चलो धन्यवाद, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, एनसीईआरटी कर लेना, किसी भी हालत में एनसीईआरटी आज निपट जानी चाहिए। चलो थैंक यू, आज और कल दो दिन का टाइम ले लो। बाय बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।